हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है जी 31 मई, यानी 31st of May 2021। ऑसम सा करंट अफेयर्सेशन लेके आपके लिए आपकी दोस्त बुशरा आपके बीच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ऑसम सा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो गोवा इस्टेब्लिश्ड डे, गोवा इस्टेब्लिशमेंट डे भी कह सकते हैं। दिस ऑब्जर्व ऑन 30th मे, कब? दिस ऑब्जर्व ऑन 30th of May। तो ये 30 मई को मनाया गया है। देखिए है क्या, 30 मई 1988 में गोवा जो है राज्य एज ए स्टेट कंसिडर किया गया था, मतलब इसका विलय किया गया था अपने भारत के राज्यों में। और इससे भी इम्पॉर्टेंट एक और मतलब ये डे है कि गोवा लिबरेशन डे, वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 19th of December को। हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है, वो बहुत पूछा जाता है। गोवा मुक्ति दिवस, ठीक है, गोवा स्थापना दिवस भी याद रखिए 30 मई को, कब? 30 मई। और गोवा मुक्ति दिवस 1961 में क्या हुआ था कि पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त हुआ था गोवा, तब से लेकर 19 दिसंबर को हर बार हर साल यानी हर एक साल मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे। वैसे फैक्ट्स में इम्पॉर्टेंट डे मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन बता देती हूँ, गोवा में 3 GI टैग मिले जो अभी करंट में, वैसे तो बहुत हैं मगर करंट के हिसाब से, क्योंकि एक साल का करंट अफेयर बिल्कुल तैयार होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एंट्रेंस के लिए। तो मोयरा केला और एक हरमल मिर्च और एक है खाजे प्रसाद। खाजे प्रसाद क्या है, ये चर्च में बंटने वाला प्रसाद है, चर्चों में बंटता है, चर्च जो होते हैं है ना, तो वहाँ बंटता है। तो ये 3 बातें याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है यानी पक्षी विहार। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखना। अच्छा, डॉक्टर सलीम अली के अलावा यहाँ पर मोलम नेशनल पार्क भी है, क्या बोलते हैं उसको, भगवान महावीर नेशनल पार्क, दोनों नामों से जाना जाता है, मोलम नेशनल पार्क और भगवान महावीर नेशनल पार्क। अच्छा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है, एक है कोटे गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक और बताती हूँ मैं आपको, हमेशा अभी बताऊँगी याद आ जाएगा तो हमेशा बोलती हूँ आपसे, ठीक है। तो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तो मैं 2 ही बताई आज तक आपको, जो दोनों बहुत फेमस है। अभी एक का नाम मेरे दिमाग से कुछ उतर गया है, तो अभी मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, गोवा में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, यशस्वनी योजना और स्वास्थ्य सखी योजना, यशस्वनी योजना और स्वास्थ्य सखी योजना। कौन है गोवा के, कौन है, प्रमोद सावंत, ये चीफ मिनिस्टर हैं। और आपको बताया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं वही संभाल रहे हैं गोवा को, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, वही इस टाइम एडिशनल प्रभार लिए हुए हैं। कैपिटल क्या है, पणजी। ये है असल में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम, हाँ, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखिए, हमेशा बताया करती हूँ आपको, कोटे गांव और बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मैंने बताया ना आपको, मोयरा केला को भी मिला है GI टैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए फटाफट। हाल ही में अभी शामी खिजरा ने अभी फुटबॉल से संन्यास लिया है, यानी संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश के लिए खेलते थे, तो ये जर्मनी के लिए, यानी प्लेयर का तो मुझे नहीं मिला कि ये कहाँ के थे, लेकिन ये जर्मनी के लिए खेलते थे, ठीक है। तो जर्मनी के प्लेयर हैं या नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जर्मनी के लिए खेलते थे शामी खेजरा, और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है फुटबॉल से, ठीक है। तो ये मुझे बस ये मिला कि ये जर्मनी के प्लेयर हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐसे ही बनाया, जर्मनी के लिए खेलते थे, ठीक।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बेलग्रेड ओपन 2021 खिताब किसने जीत लिया है? बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने क्या जीत लिया है? बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब। और नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आप समझ गए होंगे, आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट, वैसे मैंने क्वेश्चन बनाया था डिजिटल वॉलेट से जोड़ने की घोषणा की है, ये कौन सा वॉलेट है? मगर मैंने आपको यहाँ आंसर बता दिया है, पॉकेट्स। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने अपने यूपी अपने कस्ट अपने कस्टमर्स को कहा है कि जो अपनी यूपीआईडी है, जो यूपीआईआईडी है, तो अभी यूपीआईआईडी को क्या करना है, उन्हें अपने उनका जो डिजिटल वॉलेट है आईसीआईसीआई वालों का, क्या नाम है इसका? पॉकेट्स। तो इस पॉकेट से उन्हें जोड़ना है। ठीक है, तो बहरहाल क्वेश्चन मैंने कैसे बनाया था, आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआईआईडी को डिजिटल वॉलेट, किसे? डिजिटल वॉलेट से जोड़ने के लिए की घोषणा की है कि वो जो मतलब अपने डिजिटल वॉलेट से जोड़ सकते हैं, ये घोषणा कर दी है। इसका नाम क्या है? तो नाम मैंने आपको बता ही दिया है, पॉकेट्स। आईसीआईसीआई बैंक, क्या इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी भारत की सबसे बड़ी बुद्ध लाइनिंग रिक प्रतिमा, बुद्ध रिक लाइन क्या कहेंगे, बुद्ध रिक लाइनिंग प्रतिमा या बुद्ध लाइनिंग रिक प्रतिमा, बुद्ध रिक लाइनिंग कहते हैं वैसे, भारत में की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की रिक लाइनिंग प्रतिमा, रिक लाइनिंग प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अभी बौध गया में जो गौतम बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध, तो इनको मोक्ष की जब प्राप्ति हुई थी तो क्या हुआ था, उससे पहले वो लेट गए थे, तो लेट गए थे तो उसी का एक मतलब एक उसका पिक्चर बनाया गया है, उसी तरीके से एक प्रतिमा बनाई गई है, रिक लाइनिंग प्रतिमा। क्या नाम है? रिक लाइनिंग प्रतिमा। ये भारत की सबसे बड़ी रिक लाइनिंग प्रतिमा होगी भगवान बुद्ध की, और ये बौध गया में स्थापित की जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि ये बेलग्रेड ओपन 2021 नोवाक जोकोविच ने जीता है, ये किसको हरा के जीता है? तो एलेक्स मोलकन को, ये याद रखिएगा, मैंने इसलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन अगर आए तो, एलेक्स मोलकन को हरा कर जीता है बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक वीर चक्र विजेता थे, तीसरा अवार्ड होता है, आपको वीर चक्र के बारे में पता होगा, सुना होगा, परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये वीर चक्र तीसरा अवार्ड होता है, सबसे बड़ा है, पुंछ की लड़ाई से भी ये जो है संबंधित थे, और इनकी अभी डेथ हो गई, कर्नल पंजाब सिंह। ठीक है, तो आप ये बात अपने जहन में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, हाल ही में एनआरआई कस्टमर्स को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बना है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी हाँ, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये अभी पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है जिसने एनआरआई कस्टमर्स, कौन से कस्टमर्स की बात कर रही हूँ, एनआरआई कस्टमर्स को ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी दी है। तो ये एनआरआई कस्टमर्स के लिए है, आप नहीं खुलवाने चले जाएगा, क्योंकि मैं एनआरआई कस्टमर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए तो पहले ही लॉन्च कर दिया होगा सारी चीज़ें। तो खैर, ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी एनआरआई कस्टमर्स को देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बना है? तो ये बना है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके सीईओ हैं अरुण रामनाथन, अरुण रामनाथन, हेडक्वार्टर चेन्नई में है इसका, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और 2016 में 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भी, हाँ क्वेश्चन है, हाल ही में भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अतिरिक्त प्रभारी निर्देशक कौन बनाए गए हैं, यानी अतिरिक्त निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है, तो कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, और इनको अभी NIA का यानी एडिशनल डायरेक्टर चार्ज दिया गया है, यानी अतिरिक्त निर्देशक का प्रभार सौंपा गया है, तो आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस मंत्रालय ने अभी युवा लेखकों को सलाह देने के लिए एक युवा पहल शुरू की है। क्वेश्चन समझ रहे हैं, किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को, किसको युवा लेखकों को सलाह देने के लिए, एडवाइस करने के लिए युवा पहल शुरू की है, तो शिक्षा मंत्रालय ने हमारे प्रेजेंट टाइम पर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अफेयर्स या एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक। पहले आपको बताया था मैंने, MHRD होता था ये, तो खैर अब शिक्षा मंत्रालय नाम है इसका, और शिक्षा मंत्री हमारे कौन है प्रेजेंट टाइम के, रमेश पोखरियाल निशंक। और इसी मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखक को सलाह देने के लिए युवा पहल शुरू की है। पहल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इनिशिएटिव, ठीक है, ओके। देखिए ये क्या है, युवा जो फुल यानी युवा लेखकों को युवा पहल, उनको सलाह देने के लिए युवा पहल, तो युवा का मतलब क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, क्या फुल फॉर्म है, युवा पहल है, तो पहल में जो युवा है इसकी भी फुल फॉर्म है यंग, जो युवा लेखकों को लिए शुरू किए, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, दोबारा सुन लीजिए, यंग अपकमिंग क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, ठीक है, याद रखना आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू की है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी बाल सेवा योजना शुरू की है, तो जो बच्चे कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू की है, बाल सेवा योजना। अब ये है क्या, मान लीजिए लड़के हैं, है ना, लड़का है कोई, वो अपने माँ बाप को खो चुका है, जो लड़के हैं उनको क्या होगा, 4,000 रुपये प्रति, मतलब लड़के हों या लड़कियाँ हों, सुन लीजिए पहले, तो जो बच्चे लड़के हों या लड़कियाँ उनको क्या है, 4,000 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाएगी, है ना, जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाते अपना रोज़गार वगैरह नहीं मिल जाता उनको, तब तक उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी 4,000 पर मंथ, और लैपटॉप मोबाइल ये सब दिया जाएगा। और अगर वो लड़की है जिसके माता पिता खोए हैं, अगर वो जिसने अपने पेरेंट्स को लॉस कर दिया COVID-19 के दरमियान, तो अब वो माता पिता तो गुजर गए, अगर वो लड़की है तो क्या उसको 101,000 रुपये की शादी के लिए धनराशि दी जाएगी, कितनी, 101,000 रुपये लड़कियों को दी जाएंगे शादी के लिए, और अदरवाइज़ पूरी शिक्षा यानी कम फ्री स्टडी होगी, सारा कुछ होगा, लैपटॉप मोबाइल मिलेगा और 4,000 पर मंथ मिलेगा ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं COVID-19 के कारण, ठीक है, ड्यू टू कॉज ऑफ कोविड 19। तो ये आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की बात है, नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रम विद्या योजना ये चल रही है यहाँ पर, और प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप ये भी चल रही है, और भाई साथ ही एक और मंडवाड़ी का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, हर्बल रोड प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी चल रहा है यहाँ पर, ठीक, बहुत कुछ है, बताती रहूँगी तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन फैक्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे, बस थोड़े थोड़े से बता दिए हैं, और साथ ही बता दूँ आपको कौन कौन सी चंद्रप्रभा और अब नेशनल पार्क हो गया, वैसे ये कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और वैसे एक नवाबगंज भी है, ये नेशनल पार्क हैं। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। वृक्ष अशोका है। राजकीय पशु बारहसिंघा और पक्षी सारस। ठीक है, कैपिटल लखनऊ, गोमती नदी के तट पर है। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, और आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर है, एमपी को भी संभाल रही हैं। तो ये बातें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दक्षिणी सूडान में। जी हाँ, साउथ सूडान में अभी भारत के न्यू एम्बेसडर बने हैं। कौन? विष्णु कुमार शर्मा, इनको अपॉइंट कर लिया गया है। ठीक है, और विष्णु कुमार शर्मा अब साउथ सूडान में हैं, अपने इंडिया के फॉरेन एम्बेसडर। साउथ सूडान की बात है, कैपिटल क्या है? जूबा। करेंसी क्या है? साउथ सूडानी पौंड, साउथ सूडान पौंड। और एस के मायरडिट ये हैं प्रेसिडेंट, SK Myrdit। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, पहले तो एक बात कर लूँ मैं आप लोगों से। देखिए, अगर आप मेरे वीडियोस को डेली बेसिस पे फॉलो नहीं करेंगे ना, ध्यान से कंप्लीट नहीं सुनेंगे, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कभी सुनने और कभी ना सुनने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप कंप्लीट बेनिफिट चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग, एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि आप हर वीडियो को कंप्लीट ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको अभी जो कंटेंट बना है वो भी मिल दे, और नया कंटेंट जो बनता रहे वो मिलता रहे। बेल आइकन को इसके लिए, अपडेट्स के लिए हिट भी कर लें। चलिए क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस संगठन ने सूचीबद्ध कंपनियों को फॉरेंसिक ऑडिटर प्रदान करने की घोषणा की है? किस संगठन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने सूचीबद्ध कंपनियों को, किस संगठन ने सूचीबद्ध कंपनियों को फॉरेंसिक ऑडिटर प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये सेबी ने। क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1982 में स्थापना हुई। अजय त्यागी इसके हेड हैं और मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में होने वाले IPL 2021 को अभी कहाँ स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र किया गया है? हाल ही में अभी IPL 2021 होने वाले थे, इनको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है? अभी ये कहाँ होंगे, यानी ट्रांसफ़र स्थानांतरित अभी का मतलब है कि अब कहाँ होंगे? तो ये होंगे UAE में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने ये घोषणा की है कि IPL 2021 अब होंगे UAE में। आपको बताया था थोड़े दिन पहले ही कि UAE ने अभी संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा भी प्रदान किया है, बताया था ना। और UAE का एक और क्वेश्चन आ गया है कि IPL 2021 भी वहीं होंगे। कौन है? खलीफा जैद बिन अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, यानी हेड हैं, और अबू धाबी कैपिटल है, दिरहम करेंसी है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने बाल सेवा किसने की थी? उत्तर प्रदेश ने। अब ये कौन सी है? शिशु सेवा। किस राज्य सरकार ने अभी शिशु सेवा योजना का शुभारंभ किया है? तो असम राज्य सरकार ने। ये बाल सेवा जो उत्तर प्रदेश की अभी बताई है ना, उसी की जस्ट कॉपी जैसी है। ठीक है, शिशु सेवा, बस इसमें अमाउंट का देख लीजिए फ़र्क। तो ये शिशु सेवा योजना, ये COVID-19 में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है उसी के लिए शुरू की गई है, उन्हीं बच्चों के लिए शुरू की गई है कि COVID-19 के कारण अगर किसी के पेरेंट्स लॉस हो गए हैं, है ना। बहुत सारी राज्य सरकारों ने योजनाएं शुरू की हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो अब ये असम ने शुरू की है शिशु सेवा। अब बाल सेवा की कॉपी क्यों है ये? कि देखिए, बाल सेवा में बच्चों को कितने मिलेंगे? 4,000 रुपये पर मंथ, यानी 4,000 पर मंथ मिलेंगे। और इसमें कितने मिलेंगे शिशु सेवा में? 3,500 रुपये प्रति माह, यानी 3,500 पर मंथ देगी असम सरकार। अब बाल सेवा में क्या था, लड़कियों को शादी के लिए 1,01,000 रुपये मिलेंगे, असम राज्य सरकार देगी लड़कियों को उनकी शादी के लिए 50,000 रुपये। क्या देगी? 50,000 रुपये। लैपटॉप फ़ोन ये भी देगी, लैपटॉप फ़ोन बाल सेवा यानी उत्तर प्रदेश में भी दिए जाएंगे। और ये व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देगी
किसके लिए, किसे, उन बच्चों को, ताकि वो आगे सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। तो ये अभी असम के चीफ मिनिस्टर, ये हेमंता विश्वा शर्मा ने, किसने, हेमंता विश्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ने ये शुरू की है शिशु सेवा योजना। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी, चीफ मिनिस्टर ने यूपी के, कौन सी, बाल सेवा योजना। अब ये बात हो गई, हो रही है असम की। आपको बताया था हेमंता विश्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री ने अभिभावक मुख्यमंत्रियों की भी नियुक्ति की है। 34 जिले हैं, 13 मंत्रियों की हर जिले में नियुक्ति की है, मतलब एक एक मंत्री दो दो तीन तीन जिले देख लेंगे, कोई कोई तीन, कोई कोई दो, तो अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की है। और हेमंता विश्वा शर्मा, आपको बताया था कि ये BWF के अभी मेंबर भी बने हैं, और आपको बताया था कि ये, हाँ ये बताया था कि यहाँ के भी किसके अध्यक्ष, बताया है कि किसके अध्यक्ष हैं, बताइएगा ज़रा मुझे, ठीक है। तो BWF के तो मेंबर हो गए, और अध्यक्ष किसके हैं ये बताइएगा, मैंने आपको बताया है, ठीक। तो ये तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं। नॉर्थ ईस्ट का काव हॉस्पिटल, पहला काव हॉस्पिटल नॉर्थ ईस्ट का, ये असम में ही खोला गया है। और ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज, ये भी असम में शुरू किए गए हैं, है ना, ये सब मैंने आपको बताया है। और असम की बात की है तो असम के डांसेस कौन से फेमस हैं, झुमुर, झुमरू कहते हैं जिसको, बीहू, बागरुंगा, बीहू बागरुंगा और झुमरू, और एक और है भूराल। ये चार डांस हैं असम के जो बहुत फेमस हैं। गोल्डन बाग पहला कहाँ देखने को मिला, काजीरंगा में, ठीक है। और ये याद रखिएगा, काजीरंगा में बताया मैंने, काजीरंगा में गोल्डन बाग, और एक सिंह वाले गेंडे के लिए बहुत फेमस है ये। और एक सिंह वाला गेंडा कहाँ कहाँ मिलता है, असम में और पश्चिम बंगाल में। मानस हाथियों के लिए फेमस है। पोवा टाइगर, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है। देहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। हेमादास के बारे में हमेशा बताती ही रहती हूँ। और असम की बात करें, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी, तो भ्रमण सारथी, भाषा गौरव, प्रज्ञान भारती, धनमंत्री, ये सब योजनाएं हैं। और पर्यटन संजीवनी और अरुणोई, ये छह करंटली चल रही हैं। और धनमंत्री रथ कहाँ चल रहे हैं, वो गुजरात में। चीफ मिनिस्टर कौन है, बता दिया, हेमंता विश्व शर्मा। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। कैपिटल क्या है, दिस पुर, ठीक है। तो और चीफ जस्टिस कौन है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो ये तमाम बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। हाल ही में अभी MGM हॉलीवुड स्टूडियो का 8.45 मिलियन $ में अधिग्रहण कौन सी कंपनी कर रही है, MGM हॉलीवुड स्टूडियो का अधिग्रहण कौन सी कंपनी 8.45 मिलियन डॉलर में कौन सी कंपनी कर रही है, तो अमेज़ॉन, अमेज़ॉन प्राइम अधिग्रहण कर रही है। वहाँ पे जो वेब सीरीज़ वगैरह चलती है ना, उसी के लिए MGM हॉलीवुड स्टूडियो का 8.45 मिलियन में, ठीक है। कौन है नए CEO, बताए थे अमेज़ॉन के, कौन बने हैं जो अभी, कितने जुलाई से चार्ज लेंगे, 5 जुलाई की 6 जुलाई मैंने आपको बताया है, हैं एंडी जैसी कब से चार्ज लेंगे, बताइएगा मुझे, ठीक। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें, ध्यान से हर वीडियो को सुने, नए लोग सब्सक्राइब भी कर लें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।